अजीब स्थिति है। जिस ईद के लिहाज में सरकार ने एक तरफा बंदूक विराम घोषित कर दिया था, उस दिन भी जैसे ही ईद की नमाज खत्म हुई, सेना के जवानों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, उन्हें मार डालने की कोशिशें शुरू हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीज फायर को दरकिनार करते हुए ईदी के तौर पर एक भारतीय सैनिक को शहीद कर दिया। खबर यह है कि सरकार फिर से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर सकती है। सवाल यह है कि उसे रोका ही क्यों गया था। मंत्री जी, घाटी से ईद के दिन की ये तस्वीरें आपके लिए स्पेशल तोहफा हैं। जिन हाथों में आप गुलाब देने की सोचते हैं, उन हाथों में पत्थरों के अलावा किसी और चीज के लिए जगह है ही नहीं। महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये तस्वीरें आपके लिए भी ईद की ईदी हैं। ये आपके वो भटके हुए नौजवान हैं जो सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है कि इन्हें मालूम है आपकी और बीजेपी की संयुक्त सरकार इन्हें हर बार की तरह आगे भी रिहा कराती रहेगी, और अगर किसी जवान ने बदले में कुछ भी किया तो आप उसे अदालत तक घसीट लेंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले साल के पार्लियामेंट इलेक्शन में एक वोटर का क्या हाल हुआ वो पूरी दुनिया को पता है। उसको जीप के बॉनेट पे रस्सियों से बांध के नौ गांवों से घुमाया गया। कसूर क्या कि वोट डालने के बाद वो निकला, वहां पथराव हुआ, फौज ने उसको पकड़ा, गाड़ी से बांधा और ले गए। वहां पे आपने एक नया निजाम पैदा कर दिया है जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत वहां पे द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर सीम टू हैव द राइट टू स्टोन टू डेथ आर्मी एंड पुलिस पर्सनल ऑन ड्यूटी, और अगर वो अपने आप को डिफेंड करें तो महबूबा मुफ्ती कूद पड़ेंगी और उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगी। अच्छा भला चल रहा था ऑपरेशन ऑल आउट। घाटी में अमन के दुश्मनों का सफाया भी हो रहा था। 2018 के शुरुआती 5 महीनों में ही आतंकवादियों की मौत का अर्धशतक लग चुका था, पर किस अमन की खातिर अचानक घाटी में सेना के अभियान को रोक दिया गया? ये आम देशवासियों की समझ से परे है, क्योंकि जिस रमजान का हवाला सरकार ने दिया उसे तो आतंक के आकाओं ने पहले दिन से खारिज कर दिया था। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने बारूद के साथ हमारे जवान उड़ाए, घाटी में आतंकवादियों के समर्थकों ने हमले किए। सरकारों को क्या हासिल हुआ ये सरकारें जानें, लेकिन इतना जरूर हुआ कि जो आतंकी ढांचा ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान चरमरा चुका था वो फिर से मजबूत हो गया। सरकार ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का नाम दिया, सेना की बंदूकों को भी रोजा रखवा दिया, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? रमजान के दौरान घाटी में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के शुरुआती 20 दिनों में ही आतंकी हिंसा में 35 से अधिक लोगों की जान चली गई। इसमें सुरक्षा बलों के साथ आम नागरिक भी शामिल थे, और 18 से अधिक बार सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंके गए। पत्थरबाजी की घटनाएं तो आम। आग कश्मीर को नहीं लगानी, बल्कि जो कश्मीर में गुंडे घुसे हुए उनको बाहर निकालना है। बिल्कुल, उनको बाहर निकालना है। अगर किसी का पर्दा उठ जाए, अगर मेरा पर्दे को उठा रहे तो मुझे उठाने में उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ जात पात की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान वो अपनी जगह बैठा है, बदरा पाकिस्तान को कश्मीर भी कर रहा है, और पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ कि अगर उसका आता है उसको पीछे हट जाने दीजिए। वो बेशर्म होकर लगा हुआ है, नुकसान कर रहा है, हमारा देश का नुकसान कर रहा है। मुझे दुख है इस चीज का कि मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं जो ऊपर नेता बैठे हैं, जो कश्मीर के अंदर नेता बना के बैठे हैं, ये अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया को मरवा रहे हैं। इन नेतों को हटा जाए यहां से। नरेंद्र मोदी का नहीं फैसला कर सकता, हम इसका फैसला कश्मीर में झंडा पाकिस्तान का कैसे लग सकता, हमारा झंडा क्यों नहीं लगता? हमारा हिंदुस्तान का झंडा लगना चाहिए, पाकिस्तान का लगना चाहिए। औरंगजेब शहीद हो गए, लेकिन अगर ऑपरेशन ऑल आउट की रफ्तार पर ब्रेक न लगा होता तो शायद आतंकियों के लिए इतना आसान नहीं रहा होता। खैर, इतना तय है कि औरंगजेब की शहादत का बदला भी सेना ले लेगी, जैसे अपने साथी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की शहादत का बदला लिया था। सोचना तो सियासत को है कि कब तक सेना के शौर्य का इस्तेमाल अपनी चमक के लिए करती रहेगी। वो तो हजार सलाम भारतीय सेना को,
कि वो राजनीतिक नहीं। हम तो यही हैं, हम तो चलो सेना में गए, जीडी में चले गए, हम तो यही है कि हमारे जो भी हैं अगर बच्चे होंगे तो हम तो इंडियन आर्मी में ही लेके जाएंगे और ऑफिसर बनाएंगे, और इस चीज का तो बदला जब तक रगों में जान है खून है तब तक बदला लेते ही रहेंगे। सवाल नीति पर भी उठता है और नियत पर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनने के बाद 4 सालों में 15 से ज्यादा बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया, दिवाली के दिए भी जलाए, बाढ़ का दर्द भी बांटा, पिछले साल 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया, हजारों पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लिए, बातचीत के लिए अलग वार्ताकार की नियुक्ति की और अब रमजान में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। सकारात्मक बदलाव के लिए देश कोई भी कुर्बानी दे सकता है, पर ईमानदारी से सोचिए क्या नतीजा आपको नजर आया? सियासत भले ही सेना के ऑपरेशंस पर अपनी छाती को इंच इंच बढ़ाकर बताती रहे, लेकिन सच या झूठ से अलग मुद्दे और भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है। कभी सैनिकों की वर्दी की जगह भत्ते का मामला उछला, कभी सैन्य इलाकों से आम लोगों के लिए सड़कें निकालने का मुद्दा, इन पर भी सरकारों को उस वक्त ध्यान देना चाहिए जब वो सियासी मसलों को हल करने के बहाने सेना को बंदूक विराम जैसे फरमान थमा देते हैं। ये किसने वतीरा बनाया है कि रमजान के महीने में हमारे को ये करने की जरूरत है, किसी और महीने में क्यों नहीं? अगर शांति की बातचीत है तो वो तो किसी में महीने में बिल्कुल ठीक चीज है, तो सिर्फ रमजान के महीने में क्यों? ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार ने बंदूक विराम का फैसला पहली बार प्रयोग के तौर पर करके देखा हो और उसे स्थितियों को समझने का पुराना अनुभव न हो। सरकारों ने पहले भी अमन के लिए सेना के हाथ बांधे, पहले भी चोट ही खाई। सरकार कह रही है कि इस तरह के बंदूक विराम से वो छुपे हुए आतंकवादियों को बेनकाब करने में सफल होगी। सवाल फिर यही कि क्या आतंक और आतंकवाद बेनकाब नहीं है? बहारें फिर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम मिलकर काम करें, कंधे से कंधा लगाकर। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2000 में ये कोशिश की थी कि घाटी के आतंकवादियों के साथ बातचीत और समन्वय का कोई तरीका निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने भी रमजान के महीने में सुरक्षा बलों को एक तरफा बंदूक विराम का आदेश दिया। सरकारी संघर्ष विराम नवंबर 2000 से शुरू होकर मार्च 2001 के बीच 4 चरणों में 4 महीने तक चला, लेकिन जो परिणाम सामने आए वो दिल दुखाने वाले निकले। 28 नवंबर 2000 से 27 दिसंबर 2000 के बीच सीज फायर का पहला चरण चला जिसमें 211 लोग मारे गए। इन मरने वालों में 56 सुरक्षा बल के जवान और 96 नागरिक थे। दूसरे चरण के सीज फायर में 28 दिसंबर 2000 से 26 जनवरी 2001 तक 203 मौतें हुई जिनमें 44 सुरक्षा बल के जवान और 83 आम नागरिक थे। 27 जनवरी 2001 से 26 फरवरी 2001 तक के सीज फायर के दौरान 235 लोगों की जान गई जिसमें 45 सुरक्षा बल के जवान और 97 आम नागरिक थे, जबकि चौथे चरण के सीज फायर के दौरान 189 जाने गई जिनमें 52 सुरक्षा बल के जवान और 72 नागरिक शामिल थे। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों ने सरकार की इस पहल को तमाशा और चाल बताते हुए घाटी को लहूलुहान करना जारी रखा। पाकिस्तान तब भी भारत का माखौल उड़ाता था, पाकिस्तान अब भी भारत का माखौल उड़ा रहा है। कश्मीर अब भी उसके लिए आतंकवादियों को स्थापित करने की जगह थी, कश्मीर अब भी उसके लिए आतंकवादियों को स्थापित करने की जगह है। घाटी के स्थानीय आतंकवादी तब भी सेना को दुश्मन समझकर उन पर प्रहार करते थे, घाटी के स्थानीय आतंकवादी अब भी सेना को निशाने पर लेकर क्रूरता की सारी हदें पार करते रहते हैं। भारत की मजबूर सरकारें तब भी पाकिस्तान को कोसती थी, भारत की मजबूर सरकारें अब भी पाकिस्तान को कोसकर अपने कर्तव्य को पूरा कर लेती हैं, बदला कुछ भी नहीं। उस दिन इस गांव के अंदर मातम पसरा है, कारण है कि पाकिस्तान ने खून की होली खेली है। ये पाकिस्तान नहीं चाहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ के लोग सुख चैन की सांस लें, अमन से रहें, भाईचारे से रहें, प्यार से रहें। और ईद के इस पवित्र दिन जिस दिन पूरी दुनिया जश्न मनाती है,
उस दिन ये खून की होली खेली है इस पाकिस्तान ने। कश्मीर की समस्या पहले घाव बनी और अब नासूर, लेकिन इलाज तो हर हाल में जरूरी है। ब्रेक के बाद अब की बार क्या करे सरकार। ईद से एक दिन पहले की शाम आतंकवादियों ने सेना के जवान औरंगजेब और पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की, इसका क्या मतलब निकलता है? जब आतंकवाद की लड़ाई मजहब के प्रतीक चिन्हों और नारों के साथ लड़ी जाती है, तब ईद जैसे पवित्र त्योहार का भी वो लिहाज क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकवाद की समस्या का समाधान सरकारें जहां तलाशती हैं वहां हो ही नहीं? फिर कैसे खत्म होगा खून का प्यासा आतंकवाद? अंतिम विदाई की यह आवाजें यूं ही एक दिन की सुर्खियां बनकर गुम होती आई, आगे भी होती रहेंगी अगर सरकारों ने अब भी आतंकवाद से आर पार की लड़ाई की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई तो। वाजपेयी अक्सर बहुमत न होने की वजह से धारा 370 हटा पाने में असमर्थता जाहिर करते थे, कम से कम ये मजबूरी मोदी सरकार के पास नहीं। ये सही है कि लोकसभा और राज्यसभा में जितनी संख्या बल चाहिए उतनी मोदी सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन इतना तो है कि संसद के सदनों में चर्चा करके देश में माहौल बनाया जा सके ताकि कश्मीर से शेष भारत का संवाद जुड़ सके। आतंक के प्रचार प्रसार के लिए आतंकी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर पूरी तरह रोक लगाई जाए ताकि उन संगठनों की कमर टूट जाए। मोदी सरकार के दौरान एनआईए ने कुछ ऐसे अलगाववादियों के नेक्सस को क्रैक करने में कामयाबी तो पाई है, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि अलगाववादी अब भी खुलेआम नफरत की फसल बो रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान जब सेना ने चुन चुन कर आतंकी मारे तो पाकिस्तान के हौसले पस्त हो भी गए थे, लेकिन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। उसी सख्ती की जरूरत फिर से, क्योंकि इसमें किसी को संदेह नहीं कि आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान सबसे बड़ी वजह है। इस किलिंग के पीछे तो कई कारण हो सकते हैं, पर निश्चय ही ये जो किलिंग है ये पार की एजेंसीज के द्वारा कराई गई है। जब सरहदें सुरक्षित हो जाएं, तब घर के अंदर का ढांचा मजबूत करने की आवश्यकता है। पत्थरबाज हो या अलगाववादी, उनकी सुविधाएं उनके अधिकार सीमित करने की जरूरत है। लेकिन आधे अधूरे मन से चाहे ऑपरेशन ऑल आउट हो या रमजान में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जैसा फैसला, वो सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब जैसे वीर जवानों के जनाजों में इजाफा ही करता है। उसे हासिल न पहले कुछ हुआ न आगे कुछ हुआ। मोदी जी से यही बोलना चाहते हैं कि जो हुआ तो बहुत बुरा हुआ है, हमारे भाई के बदले हमारे को सोच ही है, हमारा जो मेरा भाई था टाइगर औरंगजेब उसके बदले मेरे को सोच ही है, अगर नहीं दे सकते तो बता दो हम खुद लेंगे, हमारे को पता है कैसे लेने हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम सरकार के पास हैं तो हम फैसला पहले सरकार से लेंगे, अगर सरकार फैसला नहीं देगी तो फिर हम खुद लेंगे। रामायण में लिखा है कि विनय नमानत जलधि जब, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। यानी जहां खौफ की जरूरत है वहां विनय से स्थिति सुधरने की उम्मीद करना बेमानी है। आतंक बेलगाम और क्रूर है तो उसके सीने में सेना का खौफ जरूरी है। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना, सुरक्षा बलों, इन सब से जुड़ी जितनी भी खबरें, जितनी भी वीडियोज आप देखना चाहते हैं उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर भारत तक। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।